हेलो स्टूडेंट, अब हम आपको एक्सरसाइज 2.2 में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हैं। शायद इससे आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज में दो मेन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मेन क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 सब क्वेश्चन है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, यह है पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें आपको करना है टू फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, गिवन पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये आपका गिवन पॉलीनोमियल है पी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉलीनोमियल को आप जीरोज कर लीजिए, है ना। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि पिछला वीडियो में आपको हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में बताए भी थे, जीरोज हो गया। और इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे स्प्लाइटिंग मिडिल टर्म। फैक्टराइज करना आप जानते हैं 9 क्लास से ही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो हम इसको स्प्लाइट करते हैं, इसमें जो थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म है इसका दो फैक्टर ऐसा निकालते हैं जिसका सम कोफिशियंट ऑफ एक्स आ जाए और प्रोडक्ट फिर ये आ जाए। तो माइनस एट का दो फैक्टर है, एक है माइनस फोर और दूसरा प्लस टू। तो इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, स्प्लाइट करते हैं मिडिल टर्म माइनस टू एक्स को इन सम ऑफ टू टर्म्स लाइक दिस माइनस एट। आप देख रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा और ऐड करेंगे तो फिर हमको टर्म में ये मिल जाएगा। तो यह तरीका है स्प्लाइट करने का। तो इस तरह से स्प्लाइट करने के बाद आपको फोर टर्म्स हो गया। फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म में आप कॉमन निकाल लीजिए। फर्स्ट टू टर्म में यहाँ कॉमन एक्स हो गया, एक्स माइनस फोर, अरे यहाँ कॉमन टू है, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो दो लेनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, दोनों लेनियर फैक्टर को सेपरेटली इक्वल टू जीरो करेंगे, ये कर लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन से लेनियर इक्वेशन ये हो गया, इससे हमको एक्स फोर मिला और इससे एक्स का मान माइनस टू मिला। ठीक है, तो जीरोज हो गया मेरा, दो जीरोज एक फोर और दूसरा माइनस टू, ये जीरोज होगा। अब हमको वेरीफाई करना है कोफिशियंट। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। पिछले वीडियो में हम दिखाए थे सम ऑफ जीरोज आना चाहिए माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स
अब आई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, और इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, प्लस 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस 2 आया है ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे एडजस्ट करना है जिससे कि हमको कोफिशियंट में रिलेशन आ जाए, अरे हाँ 1 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि माइनस 2 क्या है यहाँ पर, तो माइनस 2 है कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो हम इस के बदले माइनस 2 के बदले लिखेंगे कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और 1 क्या है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका सम वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिलता है 4 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8। माइनस 8 आल्सो कैन बी रिटर्न एज माइनस 8 बाई 1। आप क्या देख रहे हो, माइनस 8 क्या है, माइनस 8 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इन प्लेस ऑफ माइनस 8 हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म। और 1 क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पिछला वीडियो में आपको हम दिखाए थे रिलेशन क्या होता है, तो जैसा रिलेशन दिखाए थे वह रिलेशन हमको इस्टेब्लिश हो गया, वेरीफाई हो गया। तो जीरोज मिल गया, जीरोज मिल गया यहाँ पर, जीरोज मिल गया, और ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ऐसा ही करना है आपको, रिलेशन वेरीफाइड हो गया। रिलेशन में क्या दिखाना है, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिखाना है कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप शो कर दिए तो आपका ये वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। दो तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, दोनों टाइप का हम एक एक क्लियर कर देते हैं, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड फाइंड ए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 और माइनस 1, मतलब हेयर हेयर यू हैव गिवन
यू हैव सम ऑफ जीरोज, 1/4 आपका सम ऑफ जीरोज है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। -1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मान लीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बी x² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पर अब आइए, यहाँ दिया हुआ है आपका सम ऑफ जीरोज कितना है? 1/4। आप जानते हो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a 1/4। लेफ्ट साइड को पॉजिटिव बना लो ये, और ऐसा 1/4, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। आप जानते हो इसको क्या लिखोगे? c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, यहाँ -1 है। इसमें आपको करना क्या है कि b/a और c/a में डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, नहीं कुछ तो हम इसको 1 मानते हैं, डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें भी डिनोमिनेटर 4 हो गया और यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा कर लेने के बाद आप कंपेयर कीजिएगा, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1। दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 और 2 तो आप यहाँ कंपेयर करते तो देखते हो कि इन प्लेस ऑफ ए आपको 4 है, इन प्लेस ऑफ बी आपको -1 है, और इन प्लेस ऑफ सी भी -1 है, ठीक है। तो आपका सॉल्व हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल आपका मिल गया। रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल सबका वैल्यू हम जो माने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये माने हैं ये वाला, इसमें रिटर्न कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इन दिस पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल हमको मिल जाएगा। x² - bx, तो bx यहाँ पर भी इन प्लेस ऑफ बी 1 लिखेंगे हम, और इन प्लेस ऑफ सी का मान भी 4 होगा, गलती कर दी, यहाँ 4 होगा सी का मान। तुलना करेंगे बी ए 4 हो गया, बी -1 हो गया, और सी यहाँ पर है, हम इसमें देख लिए थे सी में -4 है, -4 सी भी -4 है, यह आपका मिल गया।
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम है 1/4, प्रोडक्ट है -1। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मतलब हो गया आपको 1/4, प्रोडक्ट है ऑफ जीरोज है -1। आप क्या करोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मान लीजिएगा, सपोज कीजिए जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, सम ऑफ जीरोज लिखिए, उसको b/a के फॉर्म में लिखिए, माइनस b/a 1/4, इस लेफ्ट साइड पॉजिटिव बना लो, ऐसा लिख लो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखो, उसको c/a लिखिए। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, तो आप नीचे 1 लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अब यहाँ इसमें और इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसके बाद आप कंपेयर करके ABC का मान निकाल लो। ABC का मान निकाल लिए और ABC का मान फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू।